नमस्कार, मैं अजय ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं अध्यक्ष उपमंडलीय विधि सेवा प्राधिकरण, आज आपके समक्ष रैगिंग निषेध कानून के विषय पे जानकारी प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि सब विदित है कि इस समय पूरा विश्व COVID-19 संक्रमण के खतरे से घिरा हुआ है और सभी लोग अपना कामकाज घरों से ही कर रहे हैं। इसीलिए इस समय हम लोगों के लिए भी यह संभव नहीं है कि हम लोग आप लोगों के बीच में आकर विविध साक्षरता शिविर का आयोजन करें। तो ऐसे समय में हमें निर्देश दिए गए हैं कि डिजिटल मोड के माध्यम से लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाई जाए। इसी श्रृंखला में मैं भी आज आप लोगों के समक्ष, जैसा कि मैंने कहा, रैगिंग निषेध कानून के बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। क्या हम ये नहीं जानते कि हम अपने मित्र या सहपाठी का अपमान या उत्पीड़न करते हैं तो यह कानून की दृष्टि में एक दंडनीय अपराध है? क्या ऐसा करते हुए सेक्शन जीवन के मूल अधिकार का आघात नहीं कर रहे हैं? इसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रवृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित किया है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा भी इस आशय का एक अधिनियम हिमाचल प्रदेश रैगिंग विरोधी कानून वर्ष 2009 में पारित किया है। रैगिंग से आशय किसी विद्यार्थी द्वारा अन्य विद्यार्थी, विशेष रूप विशेषकर प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थी के मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न से है, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित छात्र लज्जा, मनोवैज्ञानिक दबाव तथा असहज प्रवृत्ति का शिकार होता है। रैगिंग के अंतर्गत छेड़छाड़ द्वारा दूसरे विद्यार्थी को तंग करना, अभद्र मजाक करना तथा विद्यार्थी को किसी अवांछनीय कार्य के लिए वाद्य करना शामिल है। ऐसी स्थिति में पीड़ित छात्र, संरक्षक अथवा संस्था का अध्यापक और प्रभारी इस संबंध में संस्था के मुखिया को शिकायत कर सकता है। संस्था के मुखिया को 7 दिन के भीतर इस संबंध में जांच करनी होगी। यदि वह उचित समझे तो वह इस शिकायत को पुलिस थाने में भेज सकता है और यदि शिकायत झूठी पाई गई तो ऐसी स्थिति में जांच की रिपोर्ट से छात्र पीड़ित को अवगत कराया जाएगा। रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले को हिमाचल प्रदेश रैगिंग विरोधी कानून 2009 के तहत 3 साल का कारावास व 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। इस दिशा में कोताही करने पर संस्था के मुखिया को भी दंडित किया जा सकता है, जिसके तहत 2 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे भी 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे अपराधी को शैक्षणिक संस्थानों में 3 वर्ष तक के लिए निलंबित और निष्कासित किया जा सकता है।